हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनरेशन कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDb की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDb की जानब से इस मूवी को दी गई, तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10 जो कि IMDb की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे और राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफीज दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की।
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म यही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया के, और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th अगस्त 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन और बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनरेशन कितने परसेंट तक लाइक किया गया, एंड स्पेशली आप इसको कहाँ पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी की स्टार कास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 घंटे और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDb की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDb की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10 जो कि IMDb की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी
और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म यही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया की और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर। एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनरेशन कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहाँ पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी की स्टार कास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपर हिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको
कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDB की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDB की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10, जो कि IMDB की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब, जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के नाम से, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे, एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतुर्जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म से ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया के और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन और बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDB की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मींस इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं
कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो, लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में, कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टार कास्ट हैं, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDB की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी, जिसे मेरे हिसाब से आपको कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDB की जानब से रेटिंग के बारे में, कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDB की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10, जो कि IMDB की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब, जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को YouTube पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को YouTube पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूजिक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म्स वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म्स ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया की और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10 August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDB की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनरेशन कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहाँ पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDB की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDB की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDB की जानब से इस मूवी को दी गई, तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10 जो कि IMDB की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे और राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की।
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म यही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया के, और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th अगस्त 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनरेशन कितने परसेंट तक लाइक किया गया, एंड स्पेशली आप इसको कहाँ पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वो वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जैनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जैनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 घंटे और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDb की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDb की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10 जो कि IMDb की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी
और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतुर्जी आपको इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म यही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया की और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीस लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीस मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीस जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनरेशन कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मींस इसका जनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपर हिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको
कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं आईएमडीबी की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग आईएमडीबी की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10, जो कि आईएमडीबी की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब, जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे, एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर ले कर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया की और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके आईएमडीबी की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं
कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो, लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टार कास्ट हैं, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDB की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी, जिसे मेरे हिसाब से आपको कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDB की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDB की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10, जो कि IMDB की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब, जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे और राइटर कौन थे, एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफिस दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है, जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म यही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया की और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10 August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनरेशन कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहाँ पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मींस इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDb की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDb की जानब से इस मूवी को दी गई, तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10 जो कि IMDb की बहुत ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया जो कि 2 hours and 33 minutes में कम्प्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की।
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म्स यही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया के, और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th अगस्त 2007 को ये मूवी रिलीज हुई और इंडिया में रिलीज होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनफी कितने परसेंट तक लाइक किया गया, एंड स्पेशली आप इसको कहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके, एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDb की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDb की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10, जो कि IMDb की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे, एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी,
और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कम्प्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म से ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया के और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनरेशन कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मींस इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको
कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं आईएमडीबी की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग आईएमडीबी की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10, जो कि आईएमडीबी की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब, जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे, एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर ले कर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूजिक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म से ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया की और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके आईएमडीबी की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मींस इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं
कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो, लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी की स्टार कास्ट हैं, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, एंड IMDB की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी, जिसे मेरे हिसाब से आपको कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDB की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDB की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10, जो कि IMDB की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब, जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है, जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म से ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया की और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10 August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिल रहे हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जानकारी कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वो वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जनर क्या था, क्योंकि जो वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टार कास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDb की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDb की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10 जो कि IMDb की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया जो कि 2 hours and 33 minutes में कम्प्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म्स वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की।
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म्स यही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया के, और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th अगस्त 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर। एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनरेशन कितने परसेंट तक लाइक किया गया, एंड स्पेशली आप इसको कहाँ पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDb की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDb की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10 जो कि IMDb की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी
और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चटर्जी आपको इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया की और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनसी कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहाँ पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वो वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जैनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जैनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपर हिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको
कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं आईएमडीबी की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग आईएमडीबी की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10, जो कि आईएमडीबी की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब, जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे, एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म यही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया की और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीस लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीस, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीस जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे, इसके आईएमडीबी की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मींस इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं,
सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो, लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की? इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा? क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टार कास्ट हैं, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDB की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDB की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDB की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10, जो कि IMDB की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब, जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को YouTube पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को YouTube पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूजिक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म से ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया की और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10 August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनरेशन कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहाँ पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDb की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDb की जानब से इस मूवी को दी गई, तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10 जो कि IMDb की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे और राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की।
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म्स यही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया के, और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th अगस्त 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन और बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिल रहे हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनरेशन कितने परसेंट तक लाइक किया गया, एंड स्पेशली आप इसको कहाँ पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 घंटे और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDb की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDb की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10 जो कि IMDb की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी
और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूजिक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म्स वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म्स ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया के और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDB की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनफी कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मींस इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDB की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपर हिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको
कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDB की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDB की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10, जो कि IMDB की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब, जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे, एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है, जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म से ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया के और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसकी IMDB की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वो वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था, क्योंकि जो वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं
कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो, लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सगारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी की स्टार कास्ट हैं, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDB की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी, जिसे मेरे हिसाब से आपको कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDB की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDB की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10, जो कि IMDB की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब, जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूजिक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म्स वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म्स ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया की और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10 August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDB की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनरेशन कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहाँ पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDB की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDB की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDB की जानब से इस मूवी को दी गई, तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10 जो कि IMDB की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चन की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे और राइटर कौन थे एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया जो कि 2 hours and 33 minutes में कम्प्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की।
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म्स ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया के, और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th अगस्त 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई, और इंडिया में रिलीज होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनसंख्या कितने परसेंट तक लाइक किया गया, एंड स्पेशली आप इसको कहाँ पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वो वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवालात होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके, एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDb की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDb की जानब से इस मूवी को दी गई, तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10 जो कि IMDb की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे और राइटर कौन थे, एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी,
और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म यही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया की और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे, इसके IMDb की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जनरेशन कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मींस इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टारकास्ट हैं जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड IMDb की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 घंटे और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपर हिट मूवी जिसे मेरे हिसाब से आपको
कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं आईएमडीबी की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग आईएमडीबी की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10, जो कि आईएमडीबी की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब, जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के नाम से, जो जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, राइटर कौन थे, एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूज़िक की बात कर ले तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया की और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10th August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए इस मूवी के ऊपर एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 करोड़ इंडियन रुपीज़, मीन्स 109 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन्स जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, इसके स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इसके आईएमडीबी की रेटिंग क्या थी, इसको गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड स्पेशली आप इसको कहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या था, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं
कि सर आप मूवी रिकमेंड तो कर रहे हो, लेकिन क्या ये मूवी है किस तरह की, इस मूवी को देखने में हमें दिखाई क्या देगा, क्या ये मूवी एक्शन होगी, ड्रामेटिकल होगी, रोमांटिक होगी, थ्रिलर होगी, किस तरह की मूवी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में कि ये किस तरह की मूवी बनाएगी, मीन्स इसका जेनर क्या था। तो यहाँ पर आपको इस मूवी चक दे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर शाहरुख खान, विद्या मलवादे, चित्राशी रावत, सघारिका घटके एंड उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एंड बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स इस मूवी के स्टार कास्ट हैं, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, एंड IMDB की जानब से कितने परसेंट तक रेटिंग दी गई और गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी राउंड अबाउट 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई, मतलब 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट होने वाली ये मूवी चक दे इंडिया 2007 एक सुपरहिट मूवी, जिसे मेरे हिसाब से आपको कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं IMDB की जानब से रेटिंग के बारे में कि कितने यहाँ पर रेटिंग IMDB की जानब से इस मूवी को दी गई। तो वो थी जी यहाँ पर 8.1 out of 10, जो कि IMDB की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी के लिए। एंड गूगल के यूजर्स की जानब से बात कर लें तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 88% तक लाइक किया गया, मीन्स लाइक एवरेज भी काफ़ी कमाल की थी। एंड उसी के साथ साथ चलते हैं मेन सवाल की जानब, जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक चल रहा है कि क्या आप इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के नाम से, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसके ऊपर इस मूवी को बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो घर बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी चलते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस की जानब, जैसे कि इसके डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे और राइटर कौन थे, एंड सिनेमेटोग्राफिस्ट, एडिटर, म्यूजिक वगैरह के बारे में किसने संभाला इनको। तो यहाँ पर डायरेक्टर की बात करें तो शिमित अमीन यहाँ पर आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। रिटर्न की बात कर लेकर राइटर कौन थे, तो यहाँ पर जयदीप साहनी ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो है यहाँ पर इस मूवी के अंदर डायलॉग्स एंड स्टोरी को अरेंज किया, जो कि 2 hours and 33 minutes में कंप्लीट हुई। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर की बात करें तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को प्रोडक्शन दी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की प्रोड्यूसिंग को संभाला और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मूवी को अरेंज किया। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चतेर जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस वर्किंग को जो है सर अंजाम दिया। एडिटर की बात करें तो यहाँ पर अमिताभ शुक्ला यहाँ पर आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को एडिट किया और एक कमाल के एडिटर होने की सबूत दिया। म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पर सलीम सुलेमान आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्शन दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप खुद मूवी को देख के ये महसूस करोगे कि यार वाकई में म्यूजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की गई है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पर यशराज फिल्म थी वो प्रोडक्शन कंपनी है, जिसने इस मूवी के ऊपर वर्किंग की और एक ज़बरदस्त जो है मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी आपको यहाँ पर यशराज फिल्म से ही दिखाई देंगे, जो कि ब्रांड कंपनी है इंडिया के और इसी ने जो है इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वर्किंग की। रिलीज डेट की बात कर लें तो 10 August 2007 को ये मूवी रिलीज़ हुई और इंडिया में रिलीज़ होने वाली ये मूवी। अभी इसके मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कलेक्ट किया। तो बजट की बात करें तो 2007 में इन्होंने 20 crore Indian rupees लगाए इस मूवी के ऊपर, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो 109 crore Indian rupees, मीन्स 109 crore Indian rupees जो थे यहाँ पर इन्होंने अर्न किए इस मूवी से, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इन्होंने कलेक्ट किया, मीन जितना लगाया उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है इस मूवी से हासिल किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को चक दे इंडिया 2007 मूवी के बारे में रिव्यू दिया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को इस बारे में जानने के लिए कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिल रहे हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।